नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद JR में। आज के इस वीडियो में हम भूमिका की विशेषताएं, प्रस्तुति व भूमिका संबंध, भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और इससे पहले भूमिका के पार्ट वन में हमने भूमिका का अर्थ, भूमिका की परिभाषा और भूमिका की कुछ अवधारणाएं देखी थी। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप भूमिका के पार्ट वन का वीडियो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक स्टडी विद JR चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2 का चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया था, आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें हमने भूमिका का अर्थ भी देखा था। तो एक बार मैं अभी और बता देती हूँ आपको कि भूमिका कहते किसे हैं, कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। कोई परिस्थिति यानी कि कोई पद व्यक्ति ने धारण कर लिया है और उस पद को धारण करने के बाद जो कार्य व्यक्ति कर रहा है उस पद से संबंधित, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी भूमिका। चलिए अब देखते हैं हम भूमिका की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है गतिशील और परिवर्तनशील। जो भूमिका है वो गतिशील और परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जाती है। जैसे कि कोई एक भूमिका है वो क्या होता है कि जो भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं, कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति इस प्रकार से इस भूमिका को निभा रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी इसी प्रकार से सेम उस भूमिका को निभाएगा, ऐसा नहीं है। जो व्यक्तियों द्वारा अलग अलग जो भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा ये भूमिका भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जाती है। और विभिन्न समय अगर देखें, संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। तो क्या होता है कि भूमिका क्या है, गतिशील है और परिवर्तनशील है। दूसरा इसकी विशेषता है भूमिका का संबंध परिस्थिति के साथ जुड़ा होता है। जो भूमिका है इसका संबंध जो है वो परिस्थिति के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि परिस्थिति प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो परिस्थितियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। हमने प्रदत्त की भी बात करी थी और अर्जित की भी बात करी थी। उसी प्रकार से क्या होता है कि भूमिका भी प्रदत्त और अर्जित होती है। इसके अलावा तीसरी विशेषता इसकी है भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। जो भूमिका है इसका निर्धारण किस आधार पर होता है, संस्कृति व सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। इसके अलावा चौथी इसकी विशेषता है कि समाज में कोई भी भूमिका जो है वो अकेली या एकपक्षीय नहीं होती है। कोई भी भूमिका जो है वो अकेली या एकपक्षीय नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह, जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपनी भूमिका का निर्वाह स्वयं की योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर ही करता है। पांचवी विशेषता क्या हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी भूमिका का निर्वाह स्वयं की योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति इनके आधार पर ही करता है। छठी विशेषता है कि व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है। जो व्यक्ति है वो समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी कहलाती है मुख्य भूमिका। मुख्य भूमिका किसे कहेंगे, जिस कारण से व्यक्ति को जिस भूमिका के कारण जाना जा रहा है वो उसकी मुख्य भूमिका है। और एक होती है सामान्य भूमिका। सामान्य भूमिका क्या होती है कि जो भी उसकी छोटी मोटी भूमिकाएं हैं उनको हम कह सकते हैं सामान्य भूमिका। नेक्स्ट है विशेषता, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए विभिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जो अलग अलग भूमिकाएं हैं उनका निर्वाह करने के लिए क्या किया जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यवहार जो है सारी भूमिकाओं में हम करें, अलग अलग प्रकार की जो भूमिकाएं हैं उनका निर्वाह भी जो है अलग अलग प्रकार के व्यवहार से किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जा सकता है। और आठवीं इसकी विशेषता है प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ ना कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती हैं। जो भूमिका है प्रत्येक भूमिका उनके साथ क्या होता है कि कुछ अधिकार और सुविधाएं भी जुड़े होते हैं।
तो ये हमने देख ली है भूमिका की विशेषताएं, गतिशील परिवर्तनशील है, भूमिका का संबंध परिस्थिति के साथ होता है, निर्धारण क्या होता है इसका संस्कृति सामाजिक मानदंडों के आधार पर, एक पक्षीय नहीं होती है, निर्वाह करता है योग्यता क्षमता रुचि के आधार पर होता है, मुख्य भूमिका और सामान्य भूमिका का भी हमने देख लिया किसे कहते हैं, और अधिकार सुविधाएं इनके साथ जुड़ी रहती हैं, और निर्वाह भी क्या होता है भिन्न भिन्न प्रकार अलग अलग भूमिका अलग अलग जो भूमिकाएं हैं उनका भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं परिस्थिति व भूमिका संबंध, परिस्थिति व भूमिका का संबंध। तो सबसे पहला है परिस्थिति क्या है, एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, और जो भूमिका है वो क्या है, एक व्यक्तिगत अवधारणा है। देखिए परिस्थिति और भूमिका में सदैव भेद किया जाता है, तो परिस्थिति क्या है एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, और भूमिका क्या है एक व्यक्तिगत अवधारणा है। इसके अलावा भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, भूमिका क्या है परिस्थिति का गतिशील पहलू है। इसके अलावा परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर ना होकर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, नए विचार नए मूल्य मान्यताओं के साथ साथ परिस्थिति व भूमिकाओं के संबंध भी परिवर्तित होते रहते हैं। इसके अलावा परिस्थिति व भूमिका का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं। परिस्थिति और भूमिका को क्या कहते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। कुछ लोग कहते हैं बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। तो यहाँ पर हमने इसका ये भी देख लिया, इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने सारे ले लिए हैं, अर्थ विशेषताएं और अवधारणा पिछले वीडियो में, यहाँ पे हमने विशेषताएं देख ली हैं और इनका संबंध भी देख लिया, इसमें यही इंपॉर्टेंट थे और कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है। तो परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स, रॉल्फ लिंटन। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है, रॉल्फ लिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिस्थिति संस्थात्मक भूमिका है, यह कथन किस विद्वान का है। परिस्थिति संस्थात्मक भूमिका है, यह कथन किस विद्वान का है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स, वीरस्ट्रीट का। किसका कथन है ये, वीरस्ट्रीट का। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हम स्टडी कहाँ करते हैं, स्टडी करते हैं कहाँ करते हैं, संस्था में करते हैं, स्टडी संस्था। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किस विद्वान का है। तो ये आएगा, इसका राइट आंसर आएगा द लिंटन का। किसका कथन है ये, लिंटन का, 2013 में प्रश्न आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की देन है। तो इसका राइट आंसर होगा, सी, फेयर चाइल्ड द्वारा ये परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे वाक्य का चयन कीजिए जो भूमिका पालन को व्यक्त करता हो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए है व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है, बी है एक पद या परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप समाज व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करता है, ऑप्शन सी है जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है, और ऑप्शन डी है व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित तीन अवधारणाएं, भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान, परिस्थिति श्रृंखला का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्टन ने। किसने किया है, मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हुए जो वास्तविक व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमिका पालन, उसे कहते हैं भूमिका पालन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मर्टन ने। भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी थी, मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाज में भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब, ऑप्शन से रखें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4,
व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों की परस्पर विरोधाभासी भूमिकाएं एक साथ निभानी होती है, तब क्या होता है समाज में भूमिका संघर्ष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूमिका संघर्ष का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दो विसंगत भूमिकाओं का एक साथ निर्वाह करना पड़े, तो ये क्या कहलाएगा, भूमिका संघर्ष कहलाएगा। तो इस वीडियो के साथ ही चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।